आखिरकार वन पीस के मांगा चैप्टर 1058 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस प्रकार का होने वाला है। स्पॉयलर को देख के अंदाजा सा लगेगा। और हाँ यार, कल तुम सबने हमारा कम्युनिटी पोस्ट तो देख ही लिया होगा जहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कोलैबोरेशन को लेके। तो यार उसको लेकर के काम चल रहा है और वो जो है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देखो कोलैब वीडियो में टाइम लगता है, लेकिन हाँ इस चैनल पे वीडियोस आना बंद नहीं होगा। और मैंने कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया था और यार ये ब्रेक आज भी होने वाला था अगर ये चैप्टर का स्पॉयलर नहीं आता तो। पर चलो हम लोग स्पॉयलर पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर का टाइटल, जो कि फिलहाल के टाइम पे स्पॉयलर्स के हिसाब से होने वाला है द न्यू एम्परर, जिस पर मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पे दो दो न्यू एम्परर्स हैं। बट यार मेरे को जहां तक लगता है ये बग्गी की तरफ इशारा कर सकता है। वैसे देखो जब चैप्टर में आगे स्पॉइलर पे जाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का कवर पेज, जो कि स्पॉइलर्स के हिसाब से दोबारा जर्मा 66 पे ही फोकस करेगा। यहाँ पर जो है सीजर क्लाउन जर्मा को उनके साथ जाने के लिए पूछता है। नेक्स्ट ऑल द न्यू बाउंटीज ऑफ द स्ट्रॉ हैट क्रू आर रिबील्ड सम आर। जब चैप्टर आएगा पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू का बाउंटी बताया जाएगा, लेकिन स्पॉइलर्स में यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टर्स के जो है बाउंटीज हमें बताए गए हैं, तुम स्क्रीन में भी देख सकते होगे। सबसे ऊपर आता है जोरो का बाउंटी। अब लूफी का बाउंटी हम सभी को पता है 3 बिलियन बेरीज है। अब यहाँ पर जो है तीन कैरेक्टर्स के बाउंटीज यार 1 बिलियन पहुंच चुके हैं और एक का बाउंटी 1 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, निको रॉबिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोरो की बाउंटी को लेके, जो कि है 1 बिलियन 101 मिलियन बेरीज। अब हाँ यहाँ पे कुछ लोग आकर के बोल सकते हैं कि इसकी बाउंटी किंग से ज्यादा होनी चाहिए थी, तो यार उनको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बाउंटी थ्रेड से बढ़ती है। हाँ फ्यूचर में जो है जोरो का बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मेरे को लगता है जोरो का बाउंटी फ्यूचर में 2 से 3 बिलियन बेरीज के आसपास जाएगा ही जाएगा। बात करूं जिनबे की बाउंटी की तो मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि जिनबे की बाउंटी सांजी से ज्यादा हुई है। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रहा कि जिनबे की बाउंटी सांजी से कैसे करके ज्यादा होगी, पर यार ज्यादा हो गई है तो हो गई है, अब इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। खैर चलो सांजी के बाउंटी की तरफ बढ़ते हैं। सांजी का बाउंटी होने वाला है 1 बिलियन 32 मिलियन बेरीज। सांजी का बाउंटी फिर से जोरों से कम हो गया, अब ये फ्लेक्स कैसे करेगा। नेक्स्ट रॉबिन की बाउंटी जो कि होने वाली है 930 मिलियन बेरीज, जो कि बहुत बढ़िया बाउंटी है। नेक्स्ट चॉपर का बाउंटी जो कि है 1.000 बेरीज। वैसे चॉपर के ऊपर यार थोड़ा दया भी आता है, बहुत सारे लोग मरीन्स तो सोचती ही है चॉपर स्ट्रॉ हैट का पेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉकेट मॉन्स्टर किस तरह से है क्वीन अच्छे से जानता है। इसके बाद यार हमें ना बग्गी से रिलेटेड भी जानकारियां मिलती है स्पॉयलर्स के जरिए। यहाँ पर हमें बताया जाता है बग्गी जो है क्रॉस गिल्ड का लीडर नहीं है, एक्चुअली बग्गी नेवी के मिस्टेक के वजह से जो है एम्परर बन गया। प्लस नेक्स्ट स्पॉयलर में ये बताया जाता है बग्गी का किसी के ऊपर उधार है, लेकिन वो किसके ऊपर है मेरे को नहीं पता और ना ही स्पॉयलर में बताया गया है। अब देखो यहाँ पर मैं एक प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ, मेरे को जहाँ तक लगता है बग्गी शायद हॉकाई से रिक्वेस्ट किया होगा और हॉकाई ने इसको बचाया, और यही हो सकता है कि हॉकाई के ऊपर इसका उधार हो, या फिर हो सकता है क्रोकोडाइल ने इसको बचाया होगा। ये दोनों कैरेक्टर्स में से कोई ना कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज ये दो कैरेक्टर्स बग्गी को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मीहॉक वाज नोन इन द पास्ट एज मरीन हंटर। हाँ भाई ठीक है, चेला पायरेट हंटर, गुरु मरीन हंटर। और मेरे को जहां तक लगता है जब हॉकाई को वॉलर्ड से हटाया गया तो हॉकाई भी सोचा होगा चलो दोबारा से अपने पुराने काम धंधा में आ जाते हैं, हम लोग मरीन को दोबारा से काटना शुरू कर देते हैं, और वो जाकर के हाथ मिला लिया क्रोकोडाइल के साथ। अब देखो क्रोकोडाइल के साथ हाथ मिलाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है क्रोकोडाइल दिमागदार वाला बंदा है और हॉकाई कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इंटेलिजेंट बंदा प्लस एक स्ट्रॉन्ग बंदा, ये दोनों हाथ मिला चुके हैं, मतलब क्रॉस गिल्ड वालों ने तगड़ा हाथ मिलाया है। अब देखो मुझे जो मरीन के ऊपर चिंता हो रहा है कि ये लोग जब मारना शुरू करेंगे, मरीन्स का शिकार करेंगे, फिर क्या होगा। खैर देखो मैं बाकी के वॉरलॉर्ड्स की भी चिंता कर रहा हूँ कि आखिर उनका क्या हुआ, खासकर तो बोआ हैनकॉक का। नेक्स्ट भाई क्रॉस गिल्ड वालों का भी बाउंटी रिवील हुआ है, जैसे कि मीहॉक का बाउंटी भाई बग्गी और लूफी से भी ज्यादा है, इसका बाउंटी 3 बिलियन 590 मिलियन बेरीज है। अब मेरे को एक बात समझ में आ रहा है, एक्चुअली में क्रोकोडाइल जो था वो होने वाला था क्रॉस गिल्ड का लीडर, लेकिन गलती से बग्गी क्रॉस गिल्ड का लीडर बन गया, जिस वजह से बग्गी को योंको बना दिया गया। यहाँ पर एक्चुअली में हॉकाई नेक्स्ट योंको बनने वाला था, वैसे यार हॉकाई हमको बनता तो फुल ऑन यार मजे आ जाते। इसके बाद बग्गी का भी बाउंटी बताया जाता है हमें, जो कि होने वाला
वाला है 3,189,000,000 barrels। नेक्स्ट हमें क्रोकोडाइल का भी बाउंटी बताया जाता है, स्क्रीन पे देख सकते हो 1,965,000,000 barrels। इसके बाद जो है चैप्टर के एंड में स्पॉइलर के हिसाब से जो कि बताया गया वो होने वाला है, रेवोल्यूशनरी आर्मी को एक कॉल आता है और कॉल रिसीव किया जाता है जहां पर होता है सैबो। और अब सैबो क्या करने वाला है ये बात नहीं पता, और इसके बाद ओडा ब्रेक पे चल गया। इस पर मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब ओडा अब फिर से अब पूरा तबाही मचाया है और इसके बाद वो ब्रेक पे चल गया। मैं चैप्टर को रीड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे फ्रैंकी का बाउंटी जानना है, ब्रुक का बाउंटी जानना है और क्रॉस गिल्ड वालों को लेकर के और भी अधिक जानकारी जानना है। खैर देखो, अब तुम सबका क्या मानना है इस स्पॉइलर को लेकर के जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वो तो फॉर्मेलिटी है, वो तुम्हारा मन है पूरा करना करो, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।